हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जर्नल का इलस्ट्रेशन नंबर 7। हमने ऑलरेडी हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 कर चुके। अगर आप तक अपने वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट हमारे चैनल पे जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में क्लिक करके आपको जो वीडियो चाहिए आप वो देख सकते, ठीक है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो अगर आए हमारे चैनल पे तो आपको सबसे पहले पता चले, ताकि आप हमेशा क्या रहें और उससे आगे रहें और ऐसे ही बढ़ते रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 को, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को रीड करना। तो हमारा क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक पुणे। हमको बुक बनानी है भाई सानिया इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है। हमको क्या करना है, ट्रांजेक्शन दिया हुआ है नीचे, उसको क्या करना है, जर्नलाइज करना है, यानी उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। हम क्या करेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन रीड करेंगे और उस जर्नल एंट्री उसके पास करेंगे, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 कैश एट बैंक 50,000, कैंडिडेटर 15,000, स्टॉक 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, क्रेडिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 क्रेडिटर है हमारा। देखो हमको दिया हुआ है कि हमको डेबिट क्या करना है और हमको क्रेडिट क्या करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारे डेबिट और क्रेडिट करें, ठीक है। हमको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 2019 अप्रैल 1 से, मतलब ये भी 1 अप्रैल को है और नेक्स्ट भी हमारा क्या है, 1 अप्रैल को ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। परचेज गुड्स किया हमने 90,000 का जीएसटी रेट के साथ में, उसका पेमेंट हुआ किससे, बैंक से, ठीक है। इसका भी हमने जीएसटी के साथ में करेंगे, यानी जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। फिर हमारा आता है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू नेहा 30,000 18% जीएसटी के साथ में, फिर अगेन आउटपुट जीएसटी आएगा, फिर सोल्ड गुड्स टू संजय, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे जर्नल एंट्री, एक एक ट्रांजेक्शन करते जाएंगे और एक एक देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वाला निपटा लेते हैं। 1 अप्रैल को है, जो डेबिट में उसको डेबिट में लिखना है और जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में लिखना है, लेकिन भाई भूलना मत टू कैपिटल लिखना। जो बिजनेस में ला रहा है वो टू कैपिटल में जाएगा, कैश एट बैंक अकाउंट का टोटल, सेंडी डेटर स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरीज का टोटल टू कैपिटल अकाउंट करके जाएगा। और ये हमारा जो क्रेडिट साइड में दिया है उसको क्रेडिट करना है, सेंडी क्रेडिटर वर्षा का बैंक लोन 40,000, ये भी हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देखते हैं हमारी जर्नल एंट्री, हमारा यहाँ जर्नल एंट्री, हमारा ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा, सेंडरी डेटर अकाउंट होगा, स्टॉक अकाउंट होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और हमको बैंक लोन और वर्षा दोनों क्या हुआ है, ऑलरेडी क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, हम उसका अमाउंट लिखेंगे, इसका अमाउंट लिखेंगे और जो इसका टोटल रहेगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो मेरा दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा वर्षा का लोन है, हाँ, और जो हमारा बैंक लोन है वो भी कहाँ ऐड होगा, हमारे बैंक वाले अमाउंट में, ठीक है, कैश अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है देख लेते हैं। परचेस किया है हमने गुड्स, हम परचेस की एंट्री करेंगे 12% जीएसटी के साथ में। चलिए आगे देखते हैं हमारे जीएसटी का। ये हमारा रहा क्वेश्चन, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी, टू बैंक अकाउंट पे है 12%, यहाँ पे 12% है, 6% का सी ए जी एस टी और 6% का एस जी एस टी। हमारा टोटल कितना है, 1,08,000। इसको हम कैसे निकालेंगे, 90,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 100, 6,954,00 कैरी ऑन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गुड सोल्ड हो रहा है नेहा को 30,000 18% जीएसटी के साथ में, फिर अगेन गुड सोल्ड हो रहा है संजय को 28% जीएसटी के साथ में, लेकिन पेड क्या हो रहा है,
पेमेंट मेरा हो रहा है रिसीव बाय चेक, यहाँ पे 14 दूसरा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और वहां क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। दोनों सेल का एंट्री कर लेते हैं, पहले नेहा को सेल कर रहा है 30,000 विथ 18% जीएसटी, और फिर संजय को सेल कर रहा है 50,000 इंटू 28% जीएसटी। वो क्या हो रहा है, पे हो रहा है बैंक से, और नेहा का क्या हो रहा है, क्रेडिट पे है, इसलिए नाम दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारी जनरल एंट्री। सबसे पहले हमारा नेहा अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, फिर नेहा क्या कर रही है, सेल हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, सामने वाले पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी, 9% इसको, 9% इसको मिला, 30,000 पे मुझे 9% निकालना है, 9 डिवाइड बाय 100, 00 से 00 कैंसिल, 9 3 27, 00 कैरी ऑन, 2700 सी जी एस टी, 2700 का एस जी एस टी, टोटल मारेंगे 35,400 का मेरे को टोटल सेल पड़ा, मेरे को यानी कि जिसने भी मतलब मैंने सेल किया नेहा को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन था, संजय को सेल कर रहे थे 50,000 का 28% जीएसटी के साथ में, तो ये भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक से पेमेंट हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ इसलिए नेहा का नाम आया, यहाँ पेमेंट हो गया इसलिए बैंक का नाम आया, अगर कैश का कैश से होता तो कैश आता। टू सेल्स अकाउंट सेम जर्नल एंट्री है, लेकिन हमारा जीएसटी रेट अलग है और अमाउंट भी अलग है, तो 50,000 पे हम अमाउंट निकालेंगे 14% का, तो हमारा कितना आएगा, 14,570 और 00 कैरी ऑन 7,000, 28% जीएसटी के साथ। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था, हम क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे, ठीक है, जीएसटी रेट के साथ में, तो देख लेते हैं। हमारा ये 14 था, ठीक है, 14 ट्रांजेक्शन भी है, 14 परचेस, 14 अप्रैल को परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000, 80% जीएसटी के साथ में, लेकिन लेस 10% कैश डिस्काउंट, हम क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट कर रहे हैं उसमें से लेस, ठीक है। अब अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट है तो ये क्या होगा, सामने वाले के लिए लॉस होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, परचेस गुड्स परचेस कर रहे हैं, यानी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी ये सानिया इलेक्ट्रॉनिक है उसको मिल रहा है, ठीक है। आप जब भी ट्रांजेक्शन का अकाउंट बनाओगे ना जनरल एंट्री, तो आप खुद को उस जगह पे रख के देखो कि भाई आपके साथ में क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सान्या इलेक्ट्रॉनिक खुद को समझ रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, परचेस कर रही हूँ, परचेस कर रही हूँ, और मुझे क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो मेरे लिए क्या है, फायदा है। तो डेबिट व्हाट मतलब जो मेरा फायदा है, डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट गेन हमारा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमारी परचेस की एंट्री करेंगे और कैश डिस्काउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी हमारी। परचेज अकाउंट डेबिट जो नॉर्मल जनरल एंट्री हम करते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कैश अकाउंट 54,000 का और 5,000 का मेरे को क्या मिल रहा है, कैश रिसीव्ड मिल रहा है, ठीक है। मेरा क्या है, 18% जीएसटी है, 9% इसका है, 9% इसका है, हुँ? आपको अमाउंट कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। 50,000 था परचेस, जितने का किया वो लिख दोगे आप, 3000, 9% इसमें निकाल लेंगे हम लोग, 9545,000 कैरी ऑन, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड हमको ऑलरेडी बता दिया 10%, यानी 50,000 पे 10% 5,000 होता है, वो भी लिख दिया। अब जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो कैश में हम बाद में लिखेंगे एट दी एंड, ठीक है। ये सब में बच्चे ज्यादा गड़बड़ करते हैं कि मिस 54,000 कैसे आ गया, तो उसको बाद में लिखना है, जब आपको पता है कि यहाँ का टोटल कितना हो रहा है, 59,000 हो रहा है टोटल परचेज, मेरे को 5,000 का कैश डिस्काउंट मिला, यानी मैं कैश कितने का पे कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 54,000 का, ठीक है। इसमें से अगर मैं 5,000 माइनस कर दे रही हूँ तो मेरा कितना बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है, पेड एडवर्टीजमेंट, ये हमारा पेड एडवर्टीजमेंट हुआ, तो क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट टू कैश आएगा, फिर अगेन परचेज
₹40,000 और पेड कैरिज, ठीक है, परचेज पर हॉर्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हॉर्स है, परचेज फॉर हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या, लाइव स्टॉक, जितने भी वो एनिमल वगैरह होते हैं ना, उसे भी क्या होते हैं, मतलब एक असेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन क्या ये लाइव स्टॉक है, इसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, और उससे जो भी खर्चा होगा उसको भी हम उसी में ऐड कर देंगे। फिर हमारा पेड फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हम जनरेट एक साथ में कर लेते हैं 18, 20, 22, ठीक है, हमारी जनरेट देखेंगे हम 18 एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट हमारा एडवर्टीजमेंट का हुआ। फिर हमारा लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है, ठीक है, पेमेंट दोनों की हो रही है टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये वाली देखो, हॉर्स और हॉर्स कन्वेंस जो भी उसका कैरेज फी था, दोनों को ऐड कर दिया, 40,000 था हमारा हॉर्स का और लाइव स्टॉक यानी, और 2,000 उससे रिलेटेड जो भी कैरेज हुआ उसको, दोनों को क्या किया, ऐड किया और 42,000 लिख दिया। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर जो भी कैरेज अकाउंट डेबिट है फॉर 2,000, फिर टू कैश अकाउंट लिखोगे और टोटल करके 42,000 क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आसान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांजेक्शन 26 को सोल्ड गुड्स टू अलोक फॉर कैश ₹30,000, 12% जीएसटी के साथ में लेस 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ हम क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे ये वाले केस में, और यहाँ क्या कर रहे हैं, सेल, ठीक ठीक उसका उल्टा होने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये भी जनरल एंट्री हमारी, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश आएगा, सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं यानी हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं यानी हम क्या करेंगे, हमको पैसा मिलने वाला है, सामने वाला पार्टी देगा, तो सामने वाले पार्टी को हम क्या बोल रहे हैं, भाई एक काम कर तू, है ना, मेरे को कैश अभी दे दे, मैं तेरे को क्या करता हूँ 10% का डिस्काउंट देता हूँ। आप बोलोगे ऐसा, आप बुक बना रहे हो ना, तो आप बोलोगे कि भाई एक काम करो पेमेंट कर दो अभी कैश में, मैं तुमको 10% का कैश डिस्काउंट देता हूँ। तो हमारा अमाउंट कितना है, 13,000, यहाँ लिख लेते हैं, हमारा अमाउंट है 13,000 इंटू 10% हमारा कितना हो जाएगा, 1,300, करेक्ट। फिर हमारा टू सेल्स कितने का है, 13,000 का, हम निकालेंगे हमारा जीएसटी रेट 6% के हिसाब से 780 आएगा। फिर हम टोटल करेंगे 1,300 माइनस करेंगे और 13,260 हमारा कैश पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं हम, रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। क्या हो रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव एन अमाउंट ऑफ 1,000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स, पहले हमने उसको बैड डेब्ट्स में लिखा था, फिर हम उसको क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 1,000, 1,000, हमने क्या किया था, पहले पहले बैड डेब्ट्स में इसको लिखा था, अब क्या हो रहा है, वो हमको रिकवर हो गया, तो मतलब कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, हमको कैश मिल रहा है, और टू क्रेडिट हमने पहले क्या किया होगा, उसको बैड डेब्ट्स में लिखा होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट हमारा डेबिट रहा होगा, तो अब उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेंड कर रहे हैं फ्री सैंपल के लिए, तो हम वो भी लिख देंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 5,000, 5,000, ठीक है, जो भी अमाउंट हम लिख देंगे। फिर लास्ट में हमको क्या करना है, हमारा टोटल, जिसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो भाई लोचा ही लोचा है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट, इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस।